बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे, अल्लाह ताला सबको ठीक रखे जी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला लेकर आई हूँ। ये फार्मूला वाइटनिंग क्रीम का है कि घर पर आप कैसे वाइटनिंग क्रीम बना सकते हैं। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले मेरी गुजारिश है कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द अज जल्द मिल सके। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि आज हम घर पर वाइटनिंग क्रीम बनाएंगे जो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये बच्चे, बड़े या टीनेज, यानी कि 13+, 20+ सारे ही इसको आप लगा सकते हो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। जैसा कि आप ये जानते हैं कि ये तिब्बत करीम बहुत ही पुरानी करीम है और बहुत ही अच्छी है। काफ़ी हमारी नानियाँ दादियाँ भी ये क्रीम इस्तेमाल करती आ रही हैं और बहुत ही अच्छी है। मैंने खुद भी इस्तेमाल करके देखी है, बहुत ही अच्छी क्रीम है। तो इसी से हम आज वाइटनिंग क्रीम बनाएंगे घर पर। तो सबसे पहले हम ये तिब्बत क्रीम लेंगे, इसके हम ये 2 टेबल स्पून ले लेंगे क्रीम। जी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमें दो इसको दे रहे हैं, ये डाल दीजिएगा ऐसे ही, इसको छोड़ दें। हम चलाते गए, मैं चलाते। जी, तो ये 2 टेबल स्पून हमने लेने थे तिब्बत क्रीम के, एक मैंने डाल दिया है, एक और ले लेते हैं हम। जी, तो ये हम दूसरा चम्मच भी हमने डाल दिया है। सर्दियां हैं, क्रीम काफ़ी थिक हुई है, सर्दी की वजह से चम्मच से जल्दी से उतर भी नहीं रही। तो ये हमने ये 2 चम्मच डाल दिए। तो अब मेरे पास ये, जी, ये मेरे पास स्विकोटर्मिक क्रीम पड़ी हुई है, ये हम ले लेंगे। ये बहुत अच्छी क्रीम है। ये क्रीम आपके स्किन पे जो दाग वगैरह पड़े होते हैं, डार्क सर्कल बन जाते हैं हमारे फेस पे, तो वो ख़त्म करेगी। हमें 1 टेबल स्पून चाहिए, 1 टेबल स्पून ये मैंने डाल दिया है और हमने इसको अब अच्छे से कर लेना है मिक्स। जी, तो ये हम इसको मिक्स कर रहे हैं अच्छे से। कोई भी आप क्रीम बनाने चाहें तो उसको अच्छे से आप मिक्स कर लें, इसका अच्छे से मिक्स करना ही सबसे अच्छा होता है। अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो क्रीम अच्छी आपकी बनेगी। जी, तो क्रीम हमारी हो गई है अच्छे से मिक्स, ये देखें कितने अच्छे से मिक्स हुई है। तो अब हम डालेंगे एलोवेरा जेल। तो ये मैंने एलोवेरा जेल ले लिया, ये भी हमें 1 टेबल स्पून चाहिए। ये 1 टेबल स्पून मैंने एलोवेरा जेल ले लिया है, ये भी मैं डाल रही हूँ और इसको भी डाल के हमने अच्छे से मिक्स करना है। जी, तो ये एलोवेरा जेल को हम मिक्स कर रहे हैं अच्छे से। एलोवेरा जेल वैसे भी आपकी स्किन को स्मूथ करता है और मॉइस्चराइज भी करता है। तो ये हमने कर लिया इसको अच्छे से मिक्स। और अब हम डालेंगे लेमन ऑयल। अगर आप, ये मेरे पास लेमन ऑयल है और इसके हम चंद ड्रॉप डालेंगे। जी, तो ये लेमन ऑयल के हम 3 से 4 ड्रॉप ले लेंगे। और इसको भी लेके हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और एक बात ये भी बताते चले, अगर किसी के पास लेमन ऑयल नहीं है तो उन लेमन ऑयल घर पर भी बनाना बहुत आसान है। वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपने लेने हैं 2 लेमन, 2 या 3 लेमन ले लें आप, उसके यानी कि ऊपर से छिलका उतार लें।
कद्दूकस कर लें, या वैसे भी आप नाइफ से उतार के उसको आपने लेना है, जैतून का तेल लेना है, उसको नीम गरम हल्की आंच पे आपने गरम करना है, और उसमें लेमन यानी कि लेमन का छिलका आपने डाल देना है, और उसको डाल के रात भर आपने उसमें रखना है, और वो आपका लेमन ऑयल रेडी हो जाएगा। तो उसके बाद आप जी, तो आपने ये देखें, आप ये देख ही रहे होंगे, ये एग शेप में हमारे पास एक कैप्सूल है, इसको हम वाइटनिंग कैप्सूल बोलते हैं। अब मैंने ये 2 चम्मच क्रीम ली थी, तो उसके लिए मुझे 8 कैप्सूल ये चाहिए। तो अगर आपने 1 चम्मच क्रीम लेनी है तो उसमें आप 4 कैप्सूल डालेंगे ये। बहुत आसानी से ये इसमें से के अंदर से ये क्रीम निकल जाती है, उसको आपने हल्का सा पुश करना है और इसकी सारी क्रीम बाहर आ जाती है। जी, तो वो कैप्सूल हमने डाल लिए हैं वाइटनिंग। अब हमें चाहिए ये विटामिन ई के कैप्सूल। वो अगर आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली है तो आप ना डालें, अगर नॉर्मल है तो आप यानी कि 2 या 3 आप डाल सकते हैं। मैंने क्रीम ज़्यादा बनाई है इसलिए ये मैं 3 डाल रही हूँ। तो ये भी डाल के आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जी, तो ये मैंने कैप्सूल डाल दिए, को हम अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। और ये विटामिन ई के कैप्सूल हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर हम इसको डेली अपनी स्किन पर लगाएं तो हमारी स्किन बहुत ही अच्छी रहती है, ख़ास यानी कि ये ड्राई स्किन वालों के लिए होता है। ये स्किन को मतलब कि ड्राई होने नहीं देता, जो हमारे फेस पे लाइंस पड़ जाती हैं उसको ख़त्म कर देता है ये। तो ये क्रीम हमने वो कैप्सूल दोनों मिक्स कर लिए हैं, और अब हमें चाहिए अर्के गुलाब। ये हम बस ये कह लें कि इसका 1/4 यानी कि 1/4 हम ये स्पून का लेंगे। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ये 1/4 है, 1/4 चम्मच का। या जी, तो ये हमने अर्के गुलाब डाल दिया, ये भी डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसको लगाने की कोई टाइमिंग नहीं है, आप दिन में लगाओ रात में लगाओ, आपने करना ये है कि चेहरे को बस लगाने से पहले अच्छे से धो लेना है, और इसको किसी भी टाइम आप लगा सकते हो। इस मर्द औरत बच्चे सब ये यूज़ कर सकते हैं। क्रीम बहुत ही अच्छी क्रीम है, आप भी एक बार बना लेंगे तो आपका भी दिल करेगा कि हम इसको बार बार बनाएं और बना के रख लें। इस्तेमाल एक बार ज़रूर करके देखिएगा, ये क्रीम बहुत ही अच्छी है। अब इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।